देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बाहुबली धनंजय सिंह इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 1 मई को जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इससे कुछ दिनों पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए अपने समर्थकों से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील की। इस सबके बीच धनंजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जौनपुर बड़े मार्जिन से जीत रही है, साथ ही मायावती को लेकर भी बड़ा बयान दिया। धनंजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को जौनपुर में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और जौनपुर में बीजेपी अब बड़े मार्जिन से जीतेगी। मेरे सभी समर्थक बीजेपी को खुलकर वोट कर रहे हैं, यहां तक कि भाजपा के लोग भी वोट कर रहे हैं। छत्रियों की बीजेपी के खिलाफ नाराजगी पर धनंजय सिंह ने कहा कि नाराजगी हुई थी जो कि गुजरात से शुरू हुई थी, लेकिन अब वह नाराजगी नहीं है। मुझे लगता है कि सभी छत्रियों को ही टारगेट करते हैं, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो या सियासत के माध्यम से, लेकिन छत्रियों ने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। हम सोचते हैं कि हमें एक यादव अगर वोट देता है तो मैं 10 यादव का वोट लूं, लेकिन कई बिरादरियां छत्रियों को गाली देकर ही अपनी सियासत बनाना चाहते हैं। इस दौरान धनंजय सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती एक बहुत बड़ी नेता थी, अगर वह देश में दौरे पर निकल पड़ती तो आज बसपा सबसे बड़ी पार्टी होती, लेकिन आकाश आनंद ने जिस तरीके से पार्टी को बढ़ाना शुरू किया था, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू किया था, मायावती के एक आत्मघाती कदम से सब कुछ खत्म हो गया। जिस तरीके से आकाश आनंद चुनाव प्रचार कर रहे थे, 2027 में बीएसपी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, लेकिन नुकसान हो गया। मायावती जितनी जल्दी आकाश आनंद को लाए उनकी पार्टी के लिए उतना ही बेहतर होगा। कुंडा में राजा भैया पर अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल के निशाना साधने के सवाल पर धनंजय सिंह ने कहा कि अनुप्रिया जी ने जो बात कही कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, तो इस बात का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजा भैया ने उनका बहुत संयम तरीके से और शालीन तरीके से अच्छा जवाब दिया। अगर किसी भी समाज के बारे में कुछ कहा जाता है तो उससे समाज को चोट लगती है। मुझे लगता है कि अनुप्रिया जी को ऐसा बोलने से बचना चाहिए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया 24/7 लाइव।